ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सितंबर महीने में गैस की कीमत जारी कर दी है। इस महीने तेल कंपनियों HPCL, BPCL, LOC ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। अगस्त महीने की तरह बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 594 रुपये में स्थिर है। अन्य शहरों में भी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में 2 रुपये की कटौती की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 594 रुपये पर ही है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपये है, जबकि चेन्नई में 610 रुपये और कोलकाता में 620 रुपये 50 पैसे रुपये प्रति नहीं पैच और कोलकाता में 620 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर है। जुलाई बाद से रसोई गैस की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जुलाई महीने में 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 4 रुपये तक बढ़ाई गई थी। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में कटौती कर दी गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 2 रुपये कम हो गई है। अब इस सिलेंडर का दिल्ली में नया रेट 1133 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर है। मुंबई में 2 रुपये घटकर 1196 रुपये 50 पैसे इसकी नई कीमत हो गई है। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर कॉमर्शियल में इस्तेमाल किए जाते हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।